हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अमरा राजा बैटरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी लीड एसिड बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8647 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 16.7 की PE है, 15.6% है कंपनी की ROCE एंड 11.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 16% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.58% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.87% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2638 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2197 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1903 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहां पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 132 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 99 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 124 करोड़ की प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड इसका मतलब यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो गई है इन जून 2022 के क्वार्टर कंपेयर टू जून 2021। और रही बात कंपनी की EPS की, तो EPS की भी जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट के साथ ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर लेके जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार रिजल्ट हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ठाक रिजल्ट, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है।
अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 64 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 62 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टर लेके शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून के क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो इस कंपनी में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करें तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 28.77% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है एंड ये कंपनी फंडामेंटली स्टेबल भी है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी अभी लोअर लोस की पैटर्न बना के नीचे गिर रही है, तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड इस कंपनी में प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा जितना हो सके नीचे के लेवल पे बाय करने की कोशिश करना, जितना हो सके 52 एक लो के आसपास ही बाय करने की कोशिश करना, एटलीस्ट 450 से नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी का जो कंपनी की ऑल टाइम लो निकल के आ रही है, ऑल टाइम नहीं सॉरी 52 एक लो निकल के आ रही है, वो अप्रॉक्सीमेटली 435 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। तो एटलीस्ट 450 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेढ़ साल में 1000 रुपये की हाई लगा के 435 रुपये की लो लगा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1000 रुपये की हाई लगाया था कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली जैन 2021 में एंड जून 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 435 रुपये की लो लगा दिया है। तो अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है अगले आने वाले 6 या 7 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी आप लोगों को 200 से 250 रुपये के प्राइस रेंज पे भी मिल जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। एज ऑफ नाउ जो बेस्ट एंट्री बन रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 से 460 रुपये के आसपास ही निकल के आ रही है, जो कि ये वाला सपोर्ट जोन निकल के एक स्लाइड सपोर्ट जोन निकल के आ रही है इस कंपनी के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।